लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्टेप्स की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा साइड इंजीनियरिंग का हमारा बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है ऑफिशियलिंग बायोवेस ठीक है हमारे साथ सीखिए और आगे बढ़िए। सबसे पहले दोस्तों हमें हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिसको हम बोलेंगे ए। टोटल दोस्तों डायमेंशन 600 एमएम से दो बार क्लियर कवर को माइनस करेंगे और दो बार आधे आधे डायमीटर को माइनस करेंगे स्टेप्स के जिससे हमें हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिलेगा 512 एमएम। इसी तरीके से दोस्तों वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है 500 टोटल डायमेंशन है दो बार क्लियर कवर और दो बार आधे आधे डायमीटर तो मिल जाएगा 412 एमएम। अब दोस्तों इनको हम एक ट्रायंगल की शक्ल में कंसीडर करते हैं ताकि हम राइट एंगल ट्रायंगल विजुलाइज कर पाए और एच फाइंड आउट कर पाए। तो आप देख सकते हो ये हो गया बी और ये हो गया ए बाय 2 क्योंकि पूरा ए था। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से एच फाइंड आउट कर लेंगे। सो एच विल बी 485 एमएम। पूरा कैलकुलेशन दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब दोस्तों डिडक्शन और एडिशन को कंसीडर कर लेते हैं। तो डिडक्शन और एडिशन की बात करें तो यहां पर 90 डिग्री से ज्यादा के दो बार डिडक्शन है तो 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर डिडक्ट होगा और यहां पर दो 135 डिग्री के बैंड्स हैं तो यहां पर भी 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर डिडक्ट होगा। एडिशन हुक लेंथ की बात करें तो दो यहां पर हुक लेंथ है तो उसके हिसाब से हमें 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऐड करना होगा। इन सबको कंसीडर करते हुए कटिंग एंड का फॉर्मूला हो जाएगा दो बार यहां पर एच तो 2 टाइम्स ऑफ एच लिख दिया। एक बार ये पूरा का पूरा नीचे वाला ए तो ए कर दिया और बाकी का दो बार हुक लेंथ है तो 2 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऐड कर दिया और बाकी का डिडक्शन कर दिया तो 1546 एमएम हमारा यहां पर आंसर आ चुका है।